एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे फिर से आपका स्वागत करते हैं इस सेशन में, जहां हम डेली द हिंदू ट्यूटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स के साथ उसके साइनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि ट्यूटोरियल में यूज किया जाता है, तो उसके इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक SSC, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS, CDS, NDA, एयरफोर्स नेवी, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी पूछी जाती है, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यदि अब तक आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डेली PDF। सो आज 27 अगस्त 2021 है और आज के एडिटोरियल देखते हैं। आज का एडिटोरियल है रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑन एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम्स। इसी पे बेस्ट एडिटोरियल है जो द हिंदू के न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था और इसी से सभी वर्ड मीनिंग हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। फर्स्ट वर्ड देखते हैं एसेट्स। एसेट्स यानी क्या होता है? एसेट्स यानी कि कोई उपयोगी वस्तु या फिर कोई व्यक्ति वस्तु जो कि आपके उपयोग के लिए अच्छा हो, उसे हम कहते हैं एसेट्स। यानी कि कोई भी सामान हो जो आपके लिए उपयोगी हो। साइनोनिम्स बेनिफिट, एडवांटेज, यूजफुल, यानी कि उपयोगी चीज़ जो आपके लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट सेकेंड वर्ड है हैजार्ड। हैजार्ड यह SSC में पूछा हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है कि जग, खतरा या फिर जोखिम, जिस चीज़ से आपको खतरा हो, जिससे आपको जोखिम महसूस हो, उसे कहते हैं हम हैजार्ड। हजार्ड से ही हजार्डस बना है, यानी कि खतरा। साइनोनिम्स देखें तो डेंजर, रिस्क, पेरिल, थ्रीट्स, ये पांचों वर्ड्स हजार्ड्स को इंक्लूड करके डेंजर, रिस्क, पेरिल, थ्रीट्स, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर और ये भी SSC के एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब कि संपूर्ण या फिर सर्वागीण, यानी कि जो भी जितना सब है ना, जैसे कुछ चीज़ें अवेलेबल है तो इन सबको इंक्लूड करने के लिए क्या कहा जाएगा, एग्जॉस्टिव। साइनोनिम्स इसके देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव, फुल, कंप्लीट, यानी कि जो कुछ भी है वो सारे चीज। नेक्स्ट वर्ड है फोर नंबर इनविसेज्ड। इनविसेज्ड यानी कि कल्पना करना, कोई चीज़ अनुमान लगाना, कल्पना करना कि ये फ्यूचर में ऐसा क्या हो सकता है, अनुमान फ्यूचर के लिए ही लगाया जाता है। इसके साइनोनिम्स देखें तो फोरसी, प्रिडिक्ट, एंटिसिपेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉरसी, प्रिडिक्ट और एंटिसिपेट, या इस इनविसेज्ड के साइनोनिम्स हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फाइव नंबर इंटर्न और यह एक फ्रेज है, हमेशा इसका यूज किया जाता है आर्टिकल्स वगैरह लिखने में। इंटर्न इट मीन्स कि इन सक्सेशन, वन आफ्टर वन, जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक आते जाता है, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, ये संख्या को नहीं बल्कि किसी भी चीज़ को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं इंटर्न। नेक्स्ट वर्ड है सिक्स नंबर लैंग्वेज और SSC में पूछा हुआ इम्पोर्टेंट वर्ड है लैंग्वेज, यानी कि कमज़ोर पढ़ना, कमज़ोर हो जाना, शिथिल हो जाना। साइनोनिम्स इसके देखें तो वीकेन, डिटोरियोरेट, डिक्लाइन, ये सब इसके साइनोनिम्स है किसके, लैंग्वेज के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सेवन नंबर इन एडिशन टू, यह भी एक फ्रेज है, हमेशा इसका यूज एडिटोरियल आर्टिकल्स वगैरह लिखने में किया जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये वर्ड हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है एज एन एक्स्ट्रा पर्सन और थिंग, जैसे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो तो उसे दर्शाने के लिए हम इन एडिशन टू फ्रेज का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड है एट नंबर रनिंग अप। रनिंग अप भी एक फ्रेज है, इसका मतलब सीध ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, यानी कि रन 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 यानी कि दौड़ना, अप यानी कि ऊपर, लेकिन जब यह फ्रेज में बनता है तो इसका अर्थ चेंज होता है, इसका मतलब होता है कि संचित कर देना, यानी कि इकट्ठा करना। संचित करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, संचय करना। साइनोनिम्स देखें तो एक्वायर, एमास, एक्यूमुलेट, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एक्वायर, एमास, एक्यूमुलेट, ये तीनों वर्ड SSC के पूछे हुए वर्ड्स हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हेडेक। हेडेक आप जानते होंगे, हेडेक जो सर में दर्द होता है उसे ही कहते हैं हम हेडेक। यह एक प्रकार का बीमारी है जिसे माइग्रेन भी कहा जाता है, यानी कि सर दर्द, लेकिन इसको वर्ब के रूप में यदि हम यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मुश्किल पैदा करने वाला,
यानी कि जो ट्रबल आपके रास्तों में पैदा करे। साइनोनिम्स देखे तो माइग्रेन, ट्रबल, प्रॉब्लम, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर, चेक्स एंड बैलेंस। यह भी एक फ्रेज है, चेक्स एंड बैलेंसेज, इट मीन्स कि काउंटर बैलेंसिंग इन्फ्लुएंसेज बाई विच एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज रेगुलेटेड, यानी कि काउंटर बैलेंस यानी कि उसके विपरीत में बैलेंस करना किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम जिसके जिसके रूल रेगुलेशन के अनुसार ऐसा किया जाता हो, तो चेक्स एंड बैलेंस से उसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर, और यह भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, डाउन टर्न। डाउन टर्न इट मीन्स क्या होता है, डाउन टर्न इट मीन्स यह एक निगेटिव वर्ड है। यदि वर्ड के नेचर को देखें, इसके वर्ड के नेचर को, तो यह क्या दर्शा रहा है, निगेटिवनेस, डाउन टर्न यानी कि वह डिक्रीज हो रहा है, ए डिक्लाइन इन इकोनॉमी, जैसे कि यह अर्थव्यवस्था में यूज करने वाला टर्म है, अर्थव्यवस्था आप जानते हैं इकोनॉमी, तो ए डिक्लाइन इन इकोनॉमी, बिजनेस और अदर एक्टिविटी, मोस्टली इसका यूज किया जाता है इसी में, इकोनॉमी में जब गिरावट होती है, जैसे कि अभी भारत की जीडीपी है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी गिर गई है, 7 के अप्रोक्स में थी और पहले, और उससे डिक्रीज होकर यह माइनस में भी चली गई थी, तो यह डिक्रीजमेंट को क्या दर्शाता है, डाउन टर्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन एक वर्ड है, यह किससे बना है, तो कैलिबर से बना है, कैलिबर, कैलिबर। कैलिबर एक होता है माप करने वाला, एक यंत्र होता है ऐसा जिससे कि मापा जाता है, डिस्टेंस वगैरह मापा जाता है, वो भी मिनिमम टर्म में, तो द एक्ट ऑफ मार्किंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट, तो इसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापने की प्रक्रिया को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर, फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू इसका यूज आपने जरूर देखा होगा और इसको सुना होगा, मोस्टली क्रिकेट में, क्रिकेट में एक फॉलो थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज फ्रेज के रूप में किया गया है, इट मीन्स कि कंटिन्यू एन एक्शन और टास्क टू इट्स कंक्लूजन, यानी कि किसी भी कार्य को करते जाना, लगातार करते जाना जब तक कि उसका परिणाम न निकल जाए, तो उसे कहेंगे हम फॉलो थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर, डिस्टिंग्विश। यह तो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है और एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर पहचाना, पहचानना या फिर विभेद करना, जैसे दो चीजें हैं, दो चीजें और उनमें दोनों में डिफरेंस हमें निकालना हो कि इन दोनों चीजों में क्या क्या डिफरेंस है, तो इसे कहेंगे हम डिस्टिंग्विश। यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट, ये दो वर्ड इसके साइनोनिम्स हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर, एस्टिमेट। एस्टिमेट यानी होता है अनुमान करना या फिर आकलन लगाना, उसके लिए हम एस्टिमेट्स वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए आकलन लगाना कि इसमें इतने चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए एस्टिमेट्स का यूज करते हैं, जैसे भारत की जीडीपी है तो उसके लिए मोस्टली, या जो है इकोनॉमी से ही बेस्ट आर्टिकल है, इसलिए इकोनॉमिकल वर्ड ही इसमें यूज किए जा रहे हैं, तो इसका साइनोनिम्स देखें तो अप्रोक्सीमेट, इवेलुएट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं किसके, एस्टिमेट के। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स या हमेशा आता है वर्ड्स, कॉन्स्टेंट यानी कि लिमिट करना, सीमित करना या फिर नियंत्रण में उसको ले लेना, उसे कम कर देना, या इसके वर्ड के भी नेचर को देखें तो यह भी एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड इसके नेचर जो है निगेटिवनेस दर्शा रहा है। साइनोनिम्स देखें तो रिस्ट्रिक्शन यानी कि उसे कम कर देना, लिमिटेशन, कर्व यानी कि काट के छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर, कॉन्टोर्स यानी कि रूपरेखा। रूपरेखा किसी भी चीज़ का जो शेप होता है, जैसे इसका शेप यदि पूछा जाए तो यह सर्कुलर हो जाएगा, इसका शेप पूछा जाए तो यह स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार से जो भी उसका शेप हो उसको दर्शाने के लिए हम कॉन्टोर्स का वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि आउटलाइन, शेप, फॉर्म, उसका फॉर्म कैसा है। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर, एडवर्स। एडवर्स यानी प्रतिकूल या फिर आपदा के लिए भी इसका यूज किया जाता है, एडवर्स का साइनोनिम्स देखें तो अनफेवरेबल, जो आपके लिए लाभदायक ना हो, आपके लिए फायदे ना हो, आपके लिए फेवरेबल ना हो, और डिसएडवांटेज, ये भी सेम वर्ड मीनिंग रखता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड 19 नंबर, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म एक ऐसा एक वर्ड है मोस्टली इसका यूज किया जाता है, इट मीन्स अक्यूरिंग ओवर और रिलेटिंग टू ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय अंतराल तक, एक लंबे समय अंतराल तक चलने वाले चीज को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग से भी इसे हम डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं 20 नंबर, वे। वे इट मीन्स कि फाइंड आउट हाउ हैवी समवन और समथिंग इज टिपिकली यूजिंग स्केल्स, यानी कि
वे मतलब क्या होता है, फाइंड आउट हाउ, यानी कि इस चीज को खोजना या फिर ढूंढना, पता लगाना कि वह कितना हेवी है किसी भी चीज के लिए, समथिंग और समवन, समवन और समथिंग, यह पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है और कोई वस्तु के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है 21, एपेक्स, और SSC का पूछा हुआ वर्ड है एपेक्स, यानी कि ऊंचाई पे, शिखर पे। जैसे कि अभी जो COVID-19 है, COVID-19 महामारी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, COVID-19 जो कि 2019 से शुरू हुआ था, लेकिन 2021 अप्रैल में यह क्या था, पीक था, यानी कि उस समय सबसे ज्यादा मौतें हो रही थी, सबसे ज्यादा केसेज आ रहे थे, तो उसे हम कहते हैं पीक पे, यानी कि एपेक्स पे, एपेक्स यानी कि सबसे ऊपर था, तो उसी को कहते हैं शिखर या उच्चतम बिंदु, साइनोनिम्स टॉप, पीक, पिनेकल, समिट। जैसे कि अपेक्स पॉइंट ऑफ माउंट एवरेस्ट यदि पूछा जाएगा तो, सॉरी, हिमालय पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, माउंट एवरेस्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है 22 नंबर, रिवेन्यू, और यह भी इकोनॉमिकल टर्म है, इसका मतलब होता है राजस्व। राजस्व इसका मतलब साधारण भाषा में समझे तो पैसा जो कि आप अर्न करते हैं, उसे ही हम कहते हैं रिवेन्यू। साइनोनिम्स इनकम, टेकिंग्स, प्रॉफिट्स, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। तो ये था आज के द हिंदू एडिटोरियल के सभी वर्ड मीनिंग, ये वर्ड लिस्ट खत्म हुआ, टोटल 22 वर्ड्स थे आज के एडिटोरियल से। तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट editorialvocabs.com पे जाके इसे आप रीड कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे मंथली PDFs भी मिल जाएगी, आप उसे परचेज कर सकते हैं। PDF का फॉर्मेट यही होगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।